नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनली है बेटा प्लास्टिड, डिस्कवरी की थी ल्यूविन हक ने। अगर हम टाइप्स की बात करें तो आप तीन मेजर बेसिस मतलब मेजर टाइप्स में इसे डिवाइड कर सकते हो। वन इज द क्लोरोप्लास्ट, नाम ही बता रहे हैं क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन। ग्रीन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है। नेक्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको वाइट, ठीक है, कलरलेस, कलरलेस ऑर्गेनली है ये स्टोरेज के मोस्टली काम आता है। देन क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्रोमोप्लास्ट, इट्स क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या है बेटा, वेरियस टाइप की शेड्स होती हैं, कलर्ड पिगमेंट ये होते हैं। अगर डायग्राम देखें तो दिस इज द डायग्राम जो आपने 10th क्लास में भी किया है प्लास्टिड का। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, बीच में इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस भी प्रेजेंट है। और ये हैं आपके पास थायलाकॉइड्स चैनल, मतलब थायलाकॉइड्स प्लेट्स जो अरेंज हैं, ठीक है, ग्रेना और थायलाकॉइड्स, ये वाले स्ट्रक्चर जो हैं आपके पास, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं बेटा थ्रू द फ्रट चैनल्स। ये आपस में जो ये लाइंस शो कर रही है इंटरकनेक्शन इनका, दीज आर फ्रट चैनल्स थायलाकॉइड्स के अंदर। ये 15 to 20 जो आपके पास प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इंडिविजुअल में, वो ग्रेना पार्ट में चले जाएंगे, ये इंडिविजुअल ग्रेनम, ठीक है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का लाइट फेज होता है और यहाँ जो लिक्विड मटेरियल फिल है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा पार्ट, STROMA, ये स्ट्रोमा। यहाँ डार्क फेज लाइफ का होता है, इसके पास खुद का DNA है, RNA है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था, 70S राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है। फंक्शंस की बात करें हम तो मेन फंक्शन है फूड, मतलब फोटोसिंथेसिस, फूड फॉर्मेशन का, और प्रोवाइड ग्रीनरी प्रोवाइड करवा रहा है क्लोरोप्लास्ट के बेसिस पे। पायरेनॉइड्स जो कैविटी होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, वो क्या है, स्टार्च को स्टोर करके रखती हैं, स्टोरेज ऑफ स्टार्च उनका मेन फंक्शन हो जाता है। अगर हम ल्यूकोसाइट्स के भी टाइप में जाएं तो आपके पास अमाइलोप्लास्ट एक है जो स्टार्च कंटेनिंग होता है, जैसे पोटैटो के अंदर। फिर है आपका प्रोटियोप्लास्ट जिसमें प्रोटीन होता है, जैसे मेज के अंदर। देन लाइपोप्लास्ट लिपिड्स होते हैं, जैसे कैस्टर सीड के अंदर। प्लास्टिड भी आपके पास सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, इसका खुद का DNA, RNA, 70S राइबोसोम और स्पेसिफिक प्रोटीन पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है, सेम वही। नेक्स्ट पार्ट है बेटा साइटोस्केलेटल। साइटो, साइटो वर्ड रिलेट करेगा सेल के साथ, और स्केलेटल वर्ड मतलब क्या है कि इंटरनल शेप साइज जो मेंटेन करता है, शेप को मेंटेन करता है, स्केलेटल सिस्टम जिसे हम पढ़ते हैं, जो शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करे। इस साइटोस्केलेटल में हमारा फर्स्ट पार्ट है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। ऑरिजिन पॉइंट क्या है माइक्रोट्यूब्यूल का? अरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन नेम्ड एज ट्यूबुलिन, जो प्रोटीन के अरेंजमेंट के बेसिस पे ट्यूबुलिन अराइज हो रहा है, वहां से ये माइक्रोट्यूबुल्स अराइज होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें इनका तो ये 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बने होते हैं। वो प्रोटोफिलामेंट है आपके पास ट्यूबुलिन, जो दो टाइप के हैं, वन इज द अल्फा ट्यूबुलिन एंड अदर इज द बीटा ट्यूबुलिन। ये देखो बेटा, ये 13 जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं आपके पास इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में है, ये हर कोई आपस में यहाँ पे ये कनेक्टेड फॉर्म में है, 13 प्रोटोफिलामेंट। ये दो टाइप के हैं, एक है आपके पास अल्फा, ठीक है, और सेकेंडली जैसे आप कंसीडर कर सकते हो कि बीटा पार्ट, ठीक है। अल्फा में 180 माइक्रोमीटर और बीटा में आपके पास क्या होता है 100 माइक्रोमीटर में, ये होते हैं माइक्रोट्यूबल्स। सॉलिड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर ये होते हैं। फंक्शंस क्या है? ये सेल की एक डिफाइनड शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। इंट्रासेलुलर, सेल के विद इन सेल जितनी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं उसमें हेल्पफुल हैं। बेसल बॉडी, सेंट्रियोल्स और इन सबको बनाते हैं। सेकेंड पार्ट है माइक्रोफिलामेंट्स, जो सॉलिड हैं, अनब्रांच्ड हैं, 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर, मतलब इनकी आप मान सकते हो कि विथ वाला पार्ट है। लोकेशन इनकी मसल्स में मिलेंगे, मायोफिलामेंट्स में मिलेंगे। स्ट्रक्चर इनका एक्टिन और मायोसिन, दो हमें यहां पढ़ने हैं। अगर डायग्रामेटिकली देखें हम तो ये देखिए बेटा, दिस इज द डायग्राम फॉर द एक्टिन, ये मसल्स वाले चैप्टर में आपके आएगा भी। ये इस टाइप से ग्लोबुलर, ये जो राउंड वाला पार्ट है ये है जी प्रोटीन, जिसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन भी नाम दे देते हैं, और इनके बेसिस पे ये फिलामेंट तैयार होते हैं, और पूरे फिलामेंट को हम नाम देते हैं एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है। इनके ऊपर ये रेगुलर स्पेस पे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें नाम देते हैं हम ट्रोपोनिन। ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है, ये है मायोसिन का स्ट्रक्चर, इसमें ये पार्ट होता है, ठीक है, नेक रीजन में, और ये हेड रीजन। हेड रीजन में दो साइट होते हैं, एक होता है एटीपी के साथ बाइंड करने के लिए और एक होता है एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए।
देन फंक्शंस में आपके शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं, ऑब्वियसली साइटोस्केलेटल का पार्ट है तो, और मसल कॉन्ट्रेक्शन में हमारी जैसे मसल्स हैं यार रिलैक्स हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में हेल्पफुल हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट, IFS भी नाम देते हैं हमें, लगभग 10 नैनोमीटर लॉन्ग है आपके पास, न्यूरोफाइबर्स हैं, लॉन्गर देन मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स के हैं जो मसल्स बना रहे हैं, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, स्पेशल टाइप का प्रोटीन है इनमें, जैसे केराटिन, डेस्मिन और विमेंटिन। ये केराटिन जैसे हेयर के अंदर और नेल्स के अंदर प्रेजेंट है। 5 टाइप्स की अगर हम बात करें, जैसे केराटिन कंटेनिंग IFS, इनके अंदर क्या है, ये आपके पास हेयर और नेल्स में प्रेजेंट है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम मतलब बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होंगी। डेस्मिन कंटेनिंग में क्या है, ये न्यूरॉन्स में देखने को मिलता है। विमेंटिन कंटेनिंग IFS जो है आपके पास, वो आपके पास जितने भी लॉन्ग स्ट्रक्चर हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। न्यूरोफाइब्रिल्स जो है आपके पास NFI, NFM, NFN इस उनसे मतलब लेबलिंग से मिलते हैं आपके पास। ग्लियल सेल्स जो हैं आपके पास, न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरॉन्स जैसे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोग्लियल स्पेशल टाइप की सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर देखने को भी मिलते हैं। बेटा हमारे साइटोस्केलेटल के पार्ट माइक्रोट्यूब्यूल, और फिर आपका माइक्रोफिलामेंट्स, एंड देन था आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, यहाँ आपके साइटोस्केलेटल कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका सेंट्रियोल, मोस्टली ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है और सेल डिवीजन के टाइम पे ये काम में आता है। अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमें इस टाइप का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, 9+0 अरेंजमेंट के साथ। 9 मतलब ये जो है आपके पास यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 प्रेजेंट होता है। इसमें आप इस एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को यहाँ पे ये देखो, ये 3 यूनिट हर बार, ये 3 यूनिट जो कंसीडर किए हैं, ये 3 यूनिट इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये ए वाला में, इसमें राउंड में आपके पास 13 है, ये काउंट करके आपको 13 ही डालनी है। ठीक है, अगले में फिर 10 और अगले में फिर 10, 3 ये शेयर कर रही हैं जैसे। ठीक है, ABC ये हर बार क्या है आपके पास, ABC, ये 9+0 अरेंजमेंट, ये 9 हो गई। सेंटर में ये हब वाला रीजन 0 यहाँ लाई कर रहे हैं, इसमें ये अरेंजमेंट इस टाइप से मिलता है। सी हियर द अरेंजमेंट बेटा, ये ABC आपके पास उसी फॉर्म में माइक्रोट्यूबुल्स हैं, ये सारे आपके पास यहाँ सेंटर में हब वाले रीजन से प्रेजेंट होंगे। माइक्रोट्यूबुल जो माइक्रोट्यूबुल हम पढ़ के आए वही ट्रिपलेट बना रहे हैं। ए वाला जो माइक्रोट्यूबुल होगा वो आपके पास इस सी वाले से अरेंज है, हर एक केस में ए वाला सी से अरेंज आपको दिखाना है, ए वाले की सी के साथ अरेंजमेंट, और ये आपस में भी अरेंज होंगे। जो हर एक ये जो ट्रिपलेट होगी आपके पास वो 40 डिग्री के एंगल पे लाई करेगी, ये नहीं है कि स्ट्रेट आप कैसे भी उसे घुमा दो, वो 40 डिग्री के एंगल पे। जो ए को सी से कनेक्ट कर रहा है वो AC लिंकर है। ठीक है, रेडियल फाइबर या स्पोक आप नाम दे सकते हो, जो ए माइक्रोट्यूब्यूल को सेंट्रल हब से जोड़ेगा ये। ठीक है, ये देखिए रेडियल फाइबर और स्पोक वाला रीजन, और उसे आगे वाला जो डार्क कलर का है वो फुट रीजन कहलाता है। ये अरेंजमेंट इसके अंदर होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बेसल बॉडीज, ये सेंट्रियोल के जैसा ही है। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला के अंदर ये मिलता है, और फंक्शंस क्या हैं, इट इज़ यूज्ड टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है, और जो फॉर्मेशन है एम्प्टी ओसीज उनके लिए ये नेसेसरी हो। नेक्स्ट अगर हम पार्ट देखें सीलिया एंड फ्लैजिला, तो प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये मिलते हैं। स्ट्रक्चर जैसे आपके पास सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट था, यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट होता है, मतलब सेंटर में भी 2 रहेंगे। दिस इज द डायग्राम फॉर द सीलिया एंड फ्लैजिला अरेंजमेंट बेटा, ये मेम्ब्रेन पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास जो मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, उसे नाम दिया जाएगा मैट्रिक्स, मतलब जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है, और इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है मेन स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज एक्सोनियम। इस एक्सोनियम में क्या है आपके पास, सेंटर में 2 माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट है, वही 13 से मिलके बने हुए जो आपस में कनेक्ट है ब्रिज के थ्रू। ठीक है, और उनके बाहर एक सेंट्रल शीथ की कवरिंग है। ये टोटल इसके अंदर 11 माइक्रोट्यूबुल हैं, 2 प्रेजेंट है सेंटर में और 9 प्रेजेंट है आपके पास ये सराउंडिंग में। टोटल 9 में क्या है आपके पास, हर एक जो ये 9 में एक पेयर है, ये 2 माइक्रोट्यूबुल से मिलके बना हुआ है, और इसमें भी आपके पास जो ये 2 हैं उसमें ए वाला जो है वो कंप्लीट रिंग है, और बी वाला जो है आपके पास वही 10 आपके पास फिलामेंट से मिलके बना है। ए वाले में 2 ये स्पॉक भी हैं, देखो
हर बार ये दो स्पॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको अरेंज करने हैं। अगर इसी वाले डायग्राम को हम एनलार्ज करके देखें तो आपको ऐसा व्यू निकल के आएगा बेटा। ये देखो सेंटर में दो हैं जिन्हें C1 और C2 नाम दिया गया है। ये सेंट्रल ब्रिज के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, इनके बाहर सेंट्रल शीथ है और हर एक में C1 में भी और C2 में भी ये 13 आपके पास क्या है माइक्रोफिलामेंट से मिलके बना हुआ है। और जो सराउंडिंग में 9 है उनमें से अगर हम ब्रॉड करके देखें तो ये एक वाला क्या है आपके पास ए रिंग सबट्यूबुल ए जो कंप्लीट है 13 से मिलके बना हुआ। बी वाला आपके पास कंप्लीट नहीं है, वो 10 से मिलके बना हुआ है सबट्यूबुल ए सबट्यूबुल बी। ठीक है, ए से आपके पास हर एक ए से दो आर्म लाइक स्ट्रक्चर निकले, आउटर आर्म और इनर आर्म पर्टिकुलर एंगल पे, और ये आपस में जो है इन ब्रिज पार्ट के थ्रू, ये देखो ब्लैक लाइन के थ्रू आपस में कनेक्टेड भी हैं। और ए वाला ट्यूब्यूल सेंट्रल शीथ से भी अटैच होता है थ्रू द रेडियल स्पॉक, ये स्पॉक का हेड रीजन और ये बाकी का पार्ट रेडियल स्पॉक कहलाएगा। और ये इंटर डबलेट के थ्रू क्या है माइक्रो ट्यूब्यूल्स आपस में अरेंज हैं। और यही ए वाला जो आपके पास कंप्लीट वाली जो रिंग है वो बाहर मेम्ब्रेन पार्ट से भी कनेक्ट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है सीलिया और फ्लैजिला के लिए। दो डबलेट जो है आपके पास उनकी अरेंजमेंट होती है, ए में 13 कंप्लीट और फिर 10 तीन शेयर करता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास न्यूक्लियस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल सेंटर ये है, डायरेक्टर ये है सेल का। फंक्शंस क्या है आपके पास, मेटाबॉलिक रेट ये कंट्रोल कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल इसके पास है, ग्रोथ और मेंटेनेंस को ये कंट्रोल कर रहा है, मतलब ऑल ओवर जितने भी सेल के फंक्शनिंग है उसे ये कंट्रोल करता है। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर एनवलप, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द डायग्राम। एक ये आपके पास है आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली और अंदर वाली है इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है लेकिन मेम्ब्रेन कंटिन्यू नहीं है। इनके बीच में ये पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्हें न्यूक्लियर पोर नाम दिया जाता है, अंदर न्यूक्लियोलस और ये जेनेटिक मटेरियल लाई करता है। राइबोसोम इसके बाहर वाले पार्ट से अटैच है, आउटर मेम्ब्रेन वाले पार्ट से, दिस इज द डायग्राम। और ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है इनके लिए डायग्राम ये होता है बेटा, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से, मतलब ये दो जो मेम्ब्रेन वाला पार्ट है इनके बीच में ये पोर जो हमने यहाँ नैरो छोड़ा है मतलब ओपन छोड़ा है उस एरिया में एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एनिम्यूल्स ये इसके साइड में जो सेल्स प्रेजेंट है और बीच में जो गैप प्रेजेंट है दैट इज नॉन एज चैनल। सेकेंड पार्ट है आपके पास न्यूक्लियर सैप, जिसको हम यहाँ पे जो लिक्विड पार्ट फिल कर रहा है उसे हम कैरियोप्लाज्म कहेंगे। कैरियोन वर्ड ऑलवेज रिलेट्स विद द न्यूक्लियस, तो कैरियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड पार्ट है। मैट्रिक्स जो हम बात कर रहे हैं उस लिक्विड पार्ट में आपके पास 80% प्रोटीन पार्ट होता है, 12% डीएनए है, आपके पास 5% आरएनए आ जाता है और 3% वो लिपिड्स कैरी करता है। फोर्थ पार्ट आपके पास आता है क्रोमेटिड्स, दीज आर एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म जब हो जाए सेल डिवीजन के टाइम पे, ये वर्ड आएंगे इसी यूनिट के थर्ड चैप्टर में, तो उसे क्रोमेटिड नाम दिया जाता है। अगर हम टाइप ऑफ क्रोमेटिड्स की बात कर रहे हैं तो एक होता है यू क्रोमेटिन जिसे ट्रू भी हम नाम देते हैं, जो लाइट स्टेन प्रोवाइड करता है जब हम उस पर स्टेन डालते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन क्या है आपके पास डार्क स्टेन दे रहा है। ये है आपके पास क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फॉर्म। नॉर्मली जो क्रोमोसोम हम एक सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म में वो ऐसा नजर आता है। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स, इधर सिस्टर क्रोमेटिड्स, बीच में ये सेंट्रोमियर जो इनको कनेक्ट करके रखता है। डीएनए जो है वो हमेशा हिस्टोन प्रोटीन से रैप मिलेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं उसके अंदर। ये आपके पास 8 प्रोटीन होते हैं चार तरह के, H1 H2A फिर B वाला पार्ट भी हो जाता है, ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर कहलाता है। डीएनए प्लस आपके पास हिस्टोन प्रोटीन। अगर हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो ये जो सेंट्रोमियर हम कह रहे हैं इसके बेसिस पे आपके पास क्रोमोसोम के टाइप की जब हम बात करें तो फर्स्ट है आपके पास मेटा क्रोमोसोम, जब बीच में हो सेंटर में हो बिल्कुल सेंट्रोमियर, और दोनों साइड पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो इक्वल साइज में हो। वन है सब मेटासेंट्रिक, जब एक साइड पे आ जाए, एक आर्म बहुत बड़ी है और एक आर्म जो है वो बहुत छोटी हो जाए। एक है आपके पास एक्रोक्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक भी बोल देते हैं, बिल्कुल एक किनारे पे आ गया और एक आर्म बहुत छोटी हो गई है और एक आपके पास बड़े साइज में है। टीलोक्रोमोसोम, जब गायब हो जाए, सिर्फ एक साइड की आर्म्स बच जाए और दूसरे साइड पे मतलब आर्म्स ही ना रहे, तो उसे कहेंगे टीलोक्रोमोसोम। एक टर्म है आपके पास न्यूक्लियोलस, मतलब फोर्थ पार्ट में जो डार्कली स्क्रीन्ड स्ट्रक्चर है जिसमें आरएनए पार्ट बहुत ज्यादा है उसे नाम दिया गया है न्यूक्लियोलस। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा।